हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 पे। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे टांजानिया टीटन लीग का दोस्तों, जो 17वां मुकाबला खेला जाएगा रहीनो चैलेंजर्स वर्सेस सिम्बा हीरोज के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों बताऊंगा मैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग लाइन रहने वाले, साथ ही दोस्तों एक एक प्लेयर के बारे में काफ़ी डीपली एनालिसिस करके दूंगा, जिससे आपको दोस्तों काफ़ी आसानी हो जाएगा टीम बनाने में और काफ़ी अच्छी जैकपॉट विनिंग आप इस मैच में जो कर पाओगे। तो आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आपको एक एक चीज़ जो डिटेल में पता लगेगा और काफ़ी अच्छी अर्निंग आप इस मैच में कर पाओगे। जैसा कि दोस्तों आपको लास्ट मैच में जो प्रेडिक्शन मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने काफ़ी अच्छी अर्निंग की और दोस्तों ग्रैंड लीग में भी दोस्तों हमारी काफ़ी अच्छी जो रैंक आई है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो जैकपॉट विनिंग डेली का करना अगर टी10 के मैचेस में, तो आपको दोस्तों सिंपली जो हमारे साथ जुड़े रहना है कंटिन्यूसली, और टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जो ज्वाइन कर लेना है उसका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप फटाफट से ज्वाइन कर लो ताकि आप कंटिन्यूसली जैकपॉट विनिंग कर पाओ। तो गाइस बिना टाइम बर्बाद किए अब आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारी टीम की जो स्टैट्स रहने वाले आज के मैच के लिए। तो हमें मैच का इन्फो आपको पता चल चुका है, टाइमिंग दोस्तों जो 11 बजे सुबह लाइव जो मैच स्टार्ट हो जाना है, वेन्यू दोस्तों सेम ही रहेगा, लीडर्स जो क्लब ग्राउंड है दोस्तों यहाँ पे मुकाबला खेला जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, अगर दोस्तों आप लोग लॉस में हो, अगर आप चाहते हैं आप सारा लॉस कवर करना, तो सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे मैचेस का जो जैकपॉट टीम दिया जाता है वो भी बिल्कुल फ्री में, जिससे आपको डेली का काफ़ी अच्छा जैकपॉट विनिंग हो जाता है। तो सर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी जैकपॉट विनिंग डेली का चल रहा है। जो भी भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो दोस्तों डेली का अपना जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो प्रॉफिट कमाना तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आगे बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पर जो मैट फॉर्मेट पिच रहता है दोस्तों टी10 के ज़्यादातर मैचेस में आपको जो मैट फॉर्मेट पिच ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों एक न्यूट्रल पिच होता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों को काफ़ी अच्छा फेवर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पिच से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपको एक्सेप्टेड करना है कि बॉलर्स और जो ऑलराउंड जो भी आपको बैटिंग बॉलिंग करके देता है वो प्लेयर्स अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ताकि दोस्तों इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आगे बात कर लेते इस मैच में एवरेज स्कोर की, तो दोस्तों 90 तक या फिर दोस्तों 80-90 के बीच में टोटल स्कोर इस मैच में देखने को मिलेगा दोनों टीम के दोस्तों रिसेंटली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो। साथ ही हम बात करते हैं टीम के जो रिसेंटली परफॉर्मेंस है, तो दोस्तों RNC की टीम ने जो दोस्तों टोटल 3 मुकाबले खेले हैं, चौथा मुकाबला दोस्तों इनका रद्द हो गया था वो दोस्तों बारिश की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और पिच खराब हो गई थी। तो यहाँ पे बात करते दोस्तों जो RNC की टीम काफ़ी बेहतरीन है और इसके प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इस मैच में आपका काफ़ी अच्छा मौका है ग्रैंड लीग विन करने का, तो कैसे आपको ग्रैंड लीग विन करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, तो आपको सिंपली वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। उससे पहले हम बात करें यहाँ पे SBH की टीम से, दोस्तों इसने टोटल दोस्तों अभी तक 4 मुकाबले खेले, जहाँ पे दोस्तों 1 मुकाबला केवल विन किया और 3 मुकाबले इसने जो लॉस किए हुए हैं। तो दोस्तों इसकी टीम काफ़ी ज़्यादा डाउन परफॉर्मेंस दे रही है, तो आप इससे कम ही एक्सेप्ट करना कि इस मैच में विन करेगी, और आपको कैसे टीम बनाने ग्रैंड लीग की ये मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तो अगर इससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों टीम की जो विनिंग प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पे RNC की टीम हमारी फेवरेट टीम रहेगी इस मैच को विन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इसके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस और इसके जो टीम में प्लेयर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टीम है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके विनिंग के चांसेस भी हाई रहने वाला है। तो साथ ही फिर अब आगे बात कर लेते हैं रहीनो चैलेंजर्स की जो क्या प्लेइंग लाइन रहेगा, और साथ ही दोस्तों कौन से प्लेयर आपको जो है इस मैच में ग्रैंड लीग विन कराने वाले, तो ये भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक चौहान, जिसके बारे में दोस्तों लास्ट मैच आपको मैंने प्रेडिक्शन करके बताया था कि अगर हार्दिक चौहान खेलता है तो दोस्तों आपको इसको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, और आप इसको जो अपने टीम में कैप्टनशिप ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, जो कि आपको दोस्तों काफ़ी अच्छी विनिंग दिला देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट मैच में हार्दिक चौहान ने खेला था और 48 रन की काफ़ी शानदार बैटिंग किया था दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट मैच रद्द हो गया था, नहीं दोस्तों लास्ट मैच हम इजिली जो ग्रैंड लीग भी विन कर लेते, लेकिन दोस्तों लास्ट मैच रद्द होने के कारण हमारा ग्रैंड लीग जो उस दिन का मिस हो गया था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आर्सन की, तो आर्सन ने दोस्तों लास्ट में जहाँ पे खेला था 25 रन बनाए थे, उसका संजय बाबू ने दोस्तों 27 रन बनाए थे, साथ ही बॉलिंग करते 17 रन देकर 2 विकेट निकाला था। उसके आगे बात करें यहाँ पे विशाल की, तो दोस्तों इसने जो है 13 रन लगाए थे दोस्तों लास्ट मैच में, जहाँ पे दोस्तों 2 ओवर डाले थे, 7 रन देकर 2 विकेट निकाला था। उसका दोस्तों यहाँ पे बात करें कार्तिक सयाल की, तो दोस्तों इसने भी 2 ओवर डाले थे, जहाँ पे दोस्तों इसने जो 12 रन देकर 2 विकेट निकाला था। आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अकीरा की, तो दोस्तों ये भी 2 ओवर डाला था, उसका 19 रन और 2 विकेट। तो कहते इनके जो लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस है दोस्तों, टोटल इन्होंने जो 2-2 विकेट निकाल के दिया था लास्ट मैचेस में, ये दोस्तों इनके जो रिसेंटली मैचेस के परफॉर्मेंस है।
आगे दोस्तों बात करेंगे मोहम्मद सलीम, उसका जहारो और जो साजद और यहाँ पे जो आप देख पाएंगे सलमीनी। तो दोस्तों ये चार प्लेयर है जिनके दोस्तों बैटिंग बॉलिंग अभी तक नहीं कर पाए दोस्तों लास्ट मैचेस में, तो ये इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं। और आपको यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे जो मोहम्मद सलीम के रहेंगे। अगर दोस्तों इनका टॉप ऑर्डर फेल रहता है तो यहाँ पे मोहम्मद सलीम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में होंगे और आपको काफी अच्छी बैटिंग करके भी दे सकते हैं। तो ग्रैनली के लिए सबसे अच्छे पिक इस मैच में होने वाले हैं। और दोस्तों आपके डिफरेंशियल पिक बना रहे हो तो यहाँ पे अपनी टीम में मोहम्मद सलीम को जरूर ले लेना। साथ ही दोस्तों बॉलिंग डिपार्ट से आपका अकेला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर में आपको ओपनिंग में बॉलिंग करके देता है और काफी अच्छी दोस्तों इसकी बॉलिंग रहती है, तो ये आपके लिए काफी अच्छे इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में होने वाले हैं। साथ ही अब यहाँ से बात कर लेते हैं इस मैच में दोस्तों जैकपॉट प्लेयर कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे टॉप ऑर्डर के दोस्तों चार पांच प्लेयर आपके रहेंगे दोस्तों, पांचों के पांचों प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि दोस्तों आपको हर मैच में दोस्तों कंटिन्यूसली आपको जो अच्छे परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही। तो ये सारे प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट से अकीरा आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों ये छह प्लेयर है आपके पास जो कि आपको वन साइडेड विनिंग दिला सकते हैं इस मैच में। और अगर आप इनके फेवर में जाना चाहते हो सात प्लेयर के साथ, तो यहाँ पर दोस्तों सातवें प्लेयर आपका जो फेस्टो रहने वाले, तो आप ये सात प्लेयर भी लेकर अपनी टीम में काफ़ी अच्छी जैकपॉट विनिंग कर पाओगे। तो सर अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट रहेगी सिम्बा हीरोज़ की टीम। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा दोस्तों कौन से प्लेयर है इस टीम से जो कि आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट इस मैच में देने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इवन इस्लाम की स्मैल की। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको लास्ट मैच में बताया था कि ये प्लेयर इस मैच में आपको जरूर 20 से 30 रन बनाकर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों लास्ट मैच इसने 39 रन की काफ़ी बेहतरीन पारी खेली है और काफ़ी अच्छी हमारी जैकपॉट विनिंग भी इसने करा दिया है। उसके आगे दोस्तों बात के लिए जातिन डारजी की। तो इसने दोस्तों जो दो रन केवल बनाया था लेकिन बॉलिंग करके दोस्तों एक विकेट निकाल कर दे दिया था, जिससे हमारा दोस्तों प्रॉफिट हो गया था। नेक्स्ट हम बात करें पोटाचेरी की। तो दोस्तों ये केवल 11 रन बना पाया था। रमेश अलूरी की बात करें तो दोस्तों दो ओवर डालते हुए 22 रन देकर एक विकेट निकाला और बॉलिंग बैटिंग में दोस्तों केवल 3 ही रन जो इससे बना पाया था। अब्दुल्ला जबीरी की बात करें दोस्तों 18 रन बनाया था लास्ट मैच में। उसका जो बात करेंगे काको नजी की, तो दोस्तों एक रन केवल बनाया था, बॉलिंग करते दोस्तों दो ओवर में 11 रन देकर कोई विकेट नहीं निकाल पाया था। लेकिन दोस्तों इस मैच में आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले यहाँ पे जो काकोन जी, क्योंकि दोस्तों आपको इस मैच में यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी टीम रहेगी आरएनसी की, तो दोस्तों इसके बॉलिंग डिपार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हो सकता है कि स्टार्टिंग का दोस्तों 2-3 विकेट गिर जाएंगे और जहाँ पे दोस्तों काकोन जी आपके लिए काफ़ी अच्छा जो इस मैच में रोल करके देने वाले। तो दोस्तों ये पिक आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा ग्रैंडली के लिए, तो इसको अपने ग्रैंडली की टीम में जरूर आपने लेना है। आगे दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे जो आदम जी की। तो दोस्तों ये भी इस मैच में आपको काफ़ी अच्छा पिक रहेगा दोस्तों, साथ ही आपको विकेट कीपिंग भी इस मैच में करके देने वाला है। तो दोस्तों ये प्लेयर काफ़ी अच्छा पिक रहेगा, जैसा कि आपको बताया कि इस मैच में हो सकता है इसके जो टॉप ऑर्डर के दोस्तों जो विकेट जल्दी गिर जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मिडिल ओवर के जो बैट्समैन है ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस मैच में ग्रैंडलिंग में देने वाले हैं। आगे यहाँ पे बात कर ले आहिल जसानी की। तो दोस्तों इसने लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन जो बॉलिंग करते हुए दो ओवर में 213 रन देकर 3 विकेट टोटल निकाला था और काफ़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी थी। दोस्तों इसके बारे में किसी ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट इश्यू होने के कारण भी लोगों ने इसको अपनी टीम में नहीं लिया था। और आप लोगों को मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन दिया था कि ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंडली का सबसे मेन ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था सारे प्रिडिक्शन कल के मैच में सही हुए थे और काफ़ी अच्छी अर्निंग आपने किया होगा अगर इसने अपने इसको जो है ग्रैंडली में ट्राई किया होगा। तो आगे दोस्तों बात करें मोहम्मद यूनिस की। तो दोस्तों इसने लास्ट मैच में केवल एक ओवर डाला था जहां पे 16 रन दिया था दोस्तों, तो उसके बाद इसके बॉलिंग में दोस्तों एक भी विकेट में नहीं मिल पाया है। बासित राजा ने दोस्तों बॉलिंग नहीं किया था, साथ ही बैटिंग इसकी नहीं की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें बिपिन की, तो एक ओवर डाल के 7 रन दिए थे, साथ ही दोस्तों एक विकेट में आपको निकाल कर दिया था। तो दोस्तों ये जो इनकी लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस है दोस्तों और प्लेइंग 11, साथ ही यहाँ पे आपको बताऊँ कि कौन सा प्लेयर इस मैच में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताऊँ जतिन आपके लिए, जो जतिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देता है, तो ये आपको इस मैच में बैटिंग या फिर बॉलिंग से जरूर परफॉर्मेंस करके देने वाला है। उसका दोस्तों यहाँ पे रमेश रहने वाले हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप ट्राई कर लेना कि इवन भी आपको अगर यहाँ पे ले सकते हैं तो दोस्तों, क्योंकि आपको बताऊँ इस मैच में थोड़ा सा क्रेडिट का इशू होने वाला है, तो दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लेना, अदरवाइज इसको इस मैच में जो ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस मैच में जो स्टार्टिंग के सिम्बा के अगर टीम पहले बैटिंग करती तो इसके दोस्तों स्टार्टिंग के एक दो विकेट जल्दी गिर जाएंगे। साथ ही दोस्तों जैसे कि पहले मैंने बताया था डारजी रहेंगे, रमेश जो है अलूरी रहने वाले, उसका अब्दुल्ला जबीरी रहने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में। साथ ही दोस्तों बॉलिंग डिपार्ट से आपको सज जाएंगे आहिल जसानी, काफ़ी अच्छे पिक इस मैच में होने वाले हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि आदम जी को अपने टीम में लेना है या फिर दोस्तों आप ककुन जी को अपने टीम में ले सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, पाँच प्लेयर आपके लिए जो काफ़ी अच्छे पिक होंगे इस मैच में, जो कि दोस्तों यहाँ पे सिम्बा हीरोज़ की टीम की तरफ से काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं। और अगर आप इनके फेवर में टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों इवेंट्स रहेंगे। उसका यहाँ पे टॉप के दोस्तों चार पाँच प्लेयर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये छः प्लेयर ये हो जाएंगे, उसका तो बॉलिंग डिपार्ट से आप आहिल को ले लेना, तो ये सात प्लेयर आप इनके फेवर में जाकर ले सकते हो और काफ़ी अच्छी अर्निंग अपने टीम में जो कर सकते हैं इस मैच में। सो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। तो दोस्तों स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन विशाल पटेल रहेंगे, उसका संजय बोम रहने वाले हैं, जतिन डारजी रहेंगे, हर्षित चौहान रहेंगे और दोस्तों रमेश अलूरी रहने वाले। तो दोस्तों टोटल मैंने ये पांच प्लेयर का स्क्वाड आपको बताया जो कि स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले इस मैच में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। और दोस्तों सबसे टॉप की बात करें तो संजय बोम और जो हर्षित चौहान इस मैच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्लेयर जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देते हैं, वही दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर में जो है ओपनिंग और वन डाउन खेलते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। आगे बात के लिए ग्रैंडली के लिए तो यहाँ पर दोस्तों पोटाचेरी रहेंगे, उसका जसानी रहने वाले हैं, कार्तिक ख्याल रहेंगे और जो है आहिल जसानी रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको मैंने ऊपर सारा को समझा दिया कि दोस्तों आप किसको अपने ग्रैंडली में ट्राई कर सकते हो जिससे आपको इस मैच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पिक रहेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ग्रैंडली के मैं अपने फाइनल टीम जो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ पे आपने ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आप भी कंटिन्यूसली हमारे साथ जैकपॉट विनिंग कर पाओ। सो गाइस नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हमारे ड्रीम इलेवन टीम की जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दोस्तों टीम आप सभी के लिए यहाँ पे पहले से क्रिएट है, तो यहाँ पे आपको सिंपली टीम के प्रीव्यू दिखाता हूँ जिससे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा इस मैच में। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हमारी जो सबसे पहले विकेट के प्लेयर की, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आदम जी को अपने टीम में ले रखा है। तो दोस्तों आपको जैसा कि बताया इस मैच में दोस्तों क्रेडिट का थोड़ा इशू रहने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बताऊँगा कि क्या चेंजेस आप कर सकते हो जिससे आपकी टीम और भी ज़्यादा जो बेहतरीन बन जाएगी। तो यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में बात करते हैं, पहले दोस्तों जो पोटाचेरी रहेंगे उसका सबसे इवन स्मेल रहने वाले हैं, उसका यहाँ पे जो है एज जसानी रहने वाले हैं। उसके बाद ऑलराउंड सेक्शन की बात करें तो विशाल पटेल रहेंगे, डारजी रहेंगे, रमेश अलूरी रहेंगे और दोस्तों जो संजय बोम रहने वाले हैं। और दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट हर्षित चौहान रहेंगे जो कि आपको दोस्तों ओपन जो है बैटिंग करके देते हैं, साथ ही दोस्तों आपको बॉलिंग भी इस मैच में करके देने वाले हैं, तो ये प्लेयर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में होने वाला है। कार्तिक सेल रहेंगे दोस्तों जो आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट और पाँचवें नंबर पर आपको बैटिंग भी इस मैच में जो करके देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट बात करें मोहम्मद न्यूस इस मैच हमारे बॉलर रहेंगे यहाँ एसबीएच की टीम की तरफ से। साथ ही दोस्तों जैसा कि आपको बताया अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि स्टैट्स में आप इवेंस स्मेल को जो अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो अपने टीम में दोस्तों ए जेबेरी को जो अपने टीम में ले सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा दोस्तों। बाकी आपको फाइनल टीम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे और साथ ही आपको ग्रैंडली की टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लेना है जिससे दोस्तों आपको डेली का दोस्तों जैकपॉट विनिंग होता है और इस मैच में भी आपको काफ़ी अच्छा जैकपॉट विनिंग दिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट में कमेंट करके बताना कि हमारी टीम आपको कैसी लगी है, साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और दोस्तों आप जो वीडियो को लाइक करते हो तो काफ़ी अच्छा फील होता है। सो अगर वीडियो को जल्दी से लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।